नमस्ते, मेरा नाम है विकास वर्मा और आप देख रहे हैं 10 मई के रोज की सुर्खी। पहले सुर्खी कर्नाटक विधानसभा चुनाव से। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 66.46% वोटर्स ने राज्य में अगली सरकार चुनने के लिए वोटिंग की। वोटिंग खत्म हुई तो आंकड़े सामने आए। एग्जिट पोल के 224 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 113 का होता है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक कांग्रेस अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। इसके मुताबिक सत्ताधारी बीजेपी को 62-80, कांग्रेस को 122-140, जेडीएस को 20-25 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 83-95 सीटें, कांग्रेस को 100-112 सीटें और जेडीएस को 21-29 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। रिपब्लिक टीवी पी मार्क के मुताबिक कर्नाटक में बीजेपी को 85-100 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं कांग्रेस को 94-108 सीटें और जेडीएस को 24-32 सीटें मिलने का अनुमान है। TV9 भारतवर्ष पोलस्टेट ने बीजेपी को 88-98 सीटें, कांग्रेस को 99-109 सीटें और जेडीएस को 21-26 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। जी न्यूज और मैट्रिक्स के सर्वे में बीजेपी को 79-94 सीटें, कांग्रेस को 103-118 सीटें और जेडीएस को 25-33 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। टाइम्स नाउ ETG के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 85 सीटें, कांग्रेस को 113 और जेडीएस को 23 सीटें मिलने का अनुमान है। तो ये अलग अलग एजेंसियों के आंकड़े हैं, असल नतीजे जो हैं वो 13 मई को आएंगे। अगली सुर्खी भी कर्नाटक से आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बेंगलुरु में मतदान करने पहुंची। वोटिंग के बाद उन्होंने महंगाई पर एक बयान दिया, जिसे लेकर विपक्षी पार्टियों की ओर से बयानबाजी तेज हो गई। निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। इन्फ्लेशन का विषय में मैं जनता के साथ हूँ। हाँ, खोजना होना चाहिए और कम होना चाहिए, मगर विपक्ष को कोई हक नहीं मिलता। महंगाई जैसे संवेदनशील मुद्दे पर वित्त मंत्री के इस बयान पर कांग्रेस ने कटाक्ष करते हुए कहा, निर्मला जी शुक्रिया, कम से कम आपने माना तो देश में महंगाई है, अब इसे कुछ कम करने के लिए कुछ कदम उठाइए। जहां तक बात विपक्ष के बोलने की है, कांग्रेस जनता की आवाज है और उनसे जुड़े हर मुद्दे उठाए जाएंगे। ये तो हुई महंगाई की बात। आप जानते ही होंगे कि कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल और बजरंग बली को लेकर काफी राजनीतिक विवाद हुए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मसले पर कांग्रेस को घेरते हुए क्या कुछ कहा, वो सुनिए। हम तो कभी भी बजरंग बली जी के नमस्कार करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम सब, मगर उनको चुनावी वक्त हो जाते हैं कांग्रेस वाले हनुमान जी के ऊपर। ये कर्नाटका हनुमान जी का धरती है, उनके जन्म स्थल है इधर, इसलिए इधर आकर के उनके एक नेता इधर उधर की बात नहीं की। मैनिफेस्टो में लिख रही हो बेवकूफी का उदाहरण, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं। तीसरी सुर्खी है राजस्थान से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान पहुंचे। यहां नाथद्वारा में उन्होंने 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की नींव रखी। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ मौजूद थे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम गहलोत को अपना दोस्त बताया, तो गहलोत ने कहा कि हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है। हालांकि गहलोत ने ERCP प्रोजेक्ट और 13 जिलों में पेयजल संकट का मुद्दा उठाया, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर जल संकट की समस्या का समाधान पहले ही कर लिया गया होता तो जल जीवन मिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस पर गहलोत की ओर से जवाब ट्विटर पर आया। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री को सरकारी कार्यक्रम में राजनीतिक बयान देकर पूर्व की सरकारों की आलोचना से बचना चाहिए था। गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, मोदी जी ने कहा कि रेलवे लाइन, बिजली की लाइन और मेडिकल कॉलेज पहले ही क्यों नहीं खोल दिए गए। संभवतः मोदी जी भूल गए, जैसा सवरा हुआ देश जो है उन्हें मिला वो आज़ादी के 67 साल के विकास के बाद मिला। ये देश एक दिन में नहीं बना है। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने आबू रोड में एक रैली को संबोधित किया और यहाँ भी कांग्रेस पार्टी और राजस्थान की सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, सरकार में हर कोई एक दूसरे का अपमान करने की होड़ में है। अपने वोट बैंक की गुलामी कर रही कांग्रेस
कुछ लोगों के तुष्टीकरण करने के लिए कार्रवाई करने से भी डर रही है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए हमेशा आतंकियों पर नरम रुख अपनाया है। कांग्रेस आतंकी विचारधारा के साथ खड़े होने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इसी सोच की वजह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जयपुर बम धमाके के केस में कमजोर पैरवी की। इसके कारण धमाकों के आरोपी छूट गए। चौथी सुर्खी का संबंध है सुप्रीम कोर्ट से। आप जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नॉन हेटरोसेक्सुअल जोड़ों के लिए विवाह की बराबरी पर सुनवाई चल रही है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने अदालत के सामने तर्क दिया कि सभी कानून बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए हैं जो प्राकृतिक रूप से हेटरोसेक्सुअल जोड़ों ने पैदा किए हैं। ये भी कहा कि राज्य हेटरोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल जोड़ों में फर्क कर सकता है। जेंडर की अवधारणा फ्लूइड की तरह बदल सकती है, लेकिन मदर और मदरहुड नहीं। ये सरकार का पक्ष है। वहीं अदालत ने कहा कि भारतीय कानूनों के हिसाब से एक व्यक्ति शादीशुदा है या नहीं, लेकिन उसे बच्चे को गोद लेने की पूरी तरह से इजाजत है। देश मदरहुड से परे चला गया है और पेरेंटहुड और सिंगल पेरेंटहुड का कंसेप्ट जो है बहुत कॉमन हो गया है। आज की सुनवाई के दौरान ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश और असम समेत राज्यों ने नॉन हेटरोसेक्सुअल विवाहों की वैधता का विरोध किया है। वहीं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और सिक्किम की सरकारों ने जवाब देने के लिए अभी समय मांगा है। बीते रोज की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि विवाह एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि एक वैधानिक अधिकार। आखिरी सुर्खी चक्रवात से जुड़ी है। बंगाल की खाड़ी में हवाएं तेज चल रही हैं और इससे एक चक्रवात आने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान निकोबार टापू के पास हवाओं की गति बढ़ी है और कल यानी 11 मई को वहां एक फुल ब्लोन साइक्लोन आ सकता है। कोलकाता के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम निदेशक जी के दास ने कहा कि 12 मई को ये चक्रवात बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। 13 मई से थोड़ा कमजोर होगा और 14 मई को बांग्लादेश में कॉक्स बाजार और म्यांमार के क्योकप्यू के तटों के बीच से गुजरेगा। हवा की गति 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अंडमान और निकोबार तट के मछुआरों को 13 मई तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है और टूरिस्ट एक्टिविटीज पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो आज की सुर्खियों में इतना ही। जुड़े रहिए द लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।